क्या अहमद हुए नॉस्टैल्जिक, क्या है हवा हवाई की बैक स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। तैयार रहिएगा ऑडियंस, आ रहा है आपका सुपर हीरो एक नई सुपर पावर्स के साथ और ये सुपर पावर का खेल आपको 3 घंटे दिखाई देगा। अब 3 घंटे मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई फिल्म है मिस्टर इंडिया पार्ट 2। ये कोई ऐसा वैसा मिस्टर इंडिया नहीं है बल्कि बॉलीवुड को भी अपनी तारीफ कराने पर मजबूर करा देने वाला है। 34 साल पुरानी इस फिल्म को डायरेक्ट अली अब्बास जफर ने अपने अंदाज में ग्रैंड तरीके से पेश करने का फैसला किया है और ग्रैंड मतलब डीसी और मार्वल स्टूडियो की तरह। वैसे बिल्कुल सही फिल्म चुनी है अली ने। अब उनके जितने सक्सेसफुल और सीनियर कोरियोग्राफर डायरेक्टर जो कभी एक्टर भी थे वो इस फिल्म से 34 साल पहले ही जुड़े थे। अहमद खान नाम तो सुना होगा। अहमद खान ने मिस्टर इंडिया के चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू किया। अनिल कपूर जिन अनाथ बच्चों को संभाल रहे थे उनमें से एक थे अहमद। पर क्या एक्टिंग की है छोटू ने, वाह। पर अब एक इंटरव्यू में उन्होंने एक खुलासा किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। श्रीदेवी जैसी ब्यूटीफुल अदाकारा को उन्होंने शायद कोरियोग्राफ नहीं किया है। पर क्या आपको पता है कि फिल्म में छोटे बच्चे का मरने का जब सीन शूट हो रहा था उसी दौरान श्रीदेवी ने अहमद को साइड ले जाकर बोला कि मुझे ब्रेक डांस सिखाओगे। अहमद ने कुछ स्टेप करके दिखाया और श्रीदेवी ने रिहर्स किया और हंसते हंसते कहा कि अब मैं इसे खराब करूंगी, क्योंकि उन्होंने हवा हवाई गाने में थोड़ा कॉमिक अंदाज दिखाना था और स्टेप्स भी उसी तरह के होने चाहिए थे। फिर क्या, 15 मिनट में श्रीदेवी ने पूरा डांस सीख लिया और परफॉर्म किया। आज अहमद ये बातें बताते हुए काफी इमोशनल होते हैं, मतलब बंदे में इतना टैलेंट भरा है, देख रहे हैं ना आप। वैसे श्रीदेवी के साथ काम करने में हर किसी को मजा आएगा ही, पर और एक इंसान को लेकर वो नॉस्टैल्जिक होते हैं। कब? जब अनिल कपूर उनके साथ होते हैं किसी भी मंच पर। डांसिंग शो में अनिल की एंट्री होने पर परफॉर्मेंस की जाती है सिग्नेचर स्टेप्स की और उनका डांस देखते हुए अहमद को पुराने दिन याद आते हैं क्योंकि वो भी उनके फैन हैं। तो ये थी हवा हवाई की बैक स्टोरी और अहमद का अनिल के लिए प्यार। आप भी जरूर ट्राई करिएगा वो ब्रेक डांस। क्या आपको श्रीदेवी का ब्रेक डांस पसंद आया, हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।